देश के वीर सपूतों में से एक महाराज छत्रपति शिवाजी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर विचार मंच सुबह सपा द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। शिवाजी महाराज की जयंती समारोह के मौके पर भरलाई शिवपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शशि प्रताप सिंह ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज और सुहेलदेव राजभर की सोच एवं विचारों से ये देश चला था और आगे भी चलेगा। जिस बात को ओम प्रकाश राजभर ने 18 साल पहले ही कहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन अब ग्राम प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक को महापुरुष का जन्म जयंती माननी पड़ी और प्रधानमंत्री को गाजीपुर से लेकर बहराइच में कहा कि ये देश महाराजा सुहेलदेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच और विचार पर चलेगा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बनारस जिले में मनाई जा रही है और इस जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस बात को 18 साल पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि यह देश सुहेलदेव राजभर जी के विचारों के तर्ज पर चलेगा, उस समय उनकी बात को कोई मानने को तैयार नहीं था। अब देश के प्रधानमंत्री आज से 2 साल पहले गाजीपुर में एक कार्यक्रम करते हैं और कहते हैं कि यह देश महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारों का देश था, अब उनके विचार और उनकी सोच के तर्ज पर चलेगा। अभी 16 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी बहराइच में, जहाँ के राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी थे, वहाँ पर भी इस बात उन्होंने कहा कि यह देश महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विचारों के तर्ज पर चलेगा। शिवाजी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को एक मराठा परिवार में हुआ था। इस साल उनकी 391वीं जयंती मनाई जा रही है। शिवाजी ने अद्भुत बुद्धि बल से मुगलों का सामना किया था। उनका बचपन का नाम शिवाजी भोंसले था।